Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, we discuss about the laws of osmotic pressure. Students, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जिसकी थ्योरीज अपन ने डिस्कस की थी. आज उसकी कैलकुलेशन पार्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अपन को कुछ लॉज की रिक्वायरमेंट होगी. यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट लॉज है अपना 1/2 बोयल लॉ. कौन सा लॉ है? 1/2 बोयल लॉ. जो गैसेस के लिए लॉज दिए थे, उन्हीं लॉज को 1/2 ने सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल किया, तो इसलिए यहां पर कौन सा वर्ड जोड़ दिया गया आपका? बोयल वर्ड. तो पूरा लॉज हो जाएगा अपने पास में 1/2 बोयल लॉज. इस लॉज के अकॉर्डिंग जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन ने किससे? पाई से नोट किया था. यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अपने पास में फर्स्ट जो लॉ होगा वो क्या हो जाएगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी. क्लियर? और सी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/V एट वॉल्यूम की फॉर्म में. तो यहां पे आपका पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो अपना फर्स्ट लॉ आ जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड 1/2 बोयल लॉ. क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? अब यहां पर सेकेंड लॉ आता है आपका 1/2 प्रेशर टेम्परेचर लो. प्रेशर टेम्परेचर लो. क्लियर? सेकेंड लॉ क्या आपका? 1/2 प्रेशर टेम्परेचर लो. इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे यहां पर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन. एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. तो यहां पर अपने पास में रिलेशन क्या जाएगा बेटा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. टी फॉर टेम्परेचर. इट इज क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अपने पास में दोनों लॉज के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गई है. अब दोनों लॉज में कॉमन क्या है? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो इन दोनों लॉज को अपन यहां पर कंबाइन कर देंगे, तो अपने पास में नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो अपने पास क्या जाएगा? देखो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी. क्लियर? और जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां पर रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, तो यहां पर कॉन्स्टेंट अपन यूज करेंगे पाई इज इक्वल टू एस टी बाई वी, जहां पर एस क्या है? सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट. एस क्या लेंगे बेटा? सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट. बट इन लॉज को अपन ने गैसेस लॉ से क्या किया है? डिसेंबल किया है. तो यहां पर एस को मैं क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा किससे? आर से. और आर क्या होता है आपका? गैस कॉन्स्टेंट. आर क्या होता है बेटा? गैस कॉन्स्टेंट. क्लियर? तो अपने पास में अब जो इक्वेशन आगे आएगी, एस को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? आर से. तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी यहां से पाई इक्वल टू क्या जाएगा? आर टी बाई वी. इसको लिख सकते हैं अपन पाई वी इक्वल टू आर टी. क्लियर? अपन लिख सकते हैं फोर एन मोल. इसके लिए एन मोल के लिए अगर अपन ने इक्वेशन लें तो अपने पास क्या जाएगा? पाई वी इक्वल टू एन आर टी.
पाई वी इक्वल टू एन आर टी। आप थोड़ा याद करो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी अपने पास में, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो अपन ने 11th क्लास में डिस्कस किया था। तो पी को रिप्लेस कर दिया किससे, पाई से, सेम इक्वेशन बन रही है आपकी पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से इसको क्या लिखेंगे अपन, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, क्लियर, एन बाई वी आर टी, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। एन जहां पर क्या अपने पास में मोल है और वी क्या है वॉल्यूम है, आर क्या है आपका गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, और आप जानते हो एन बाय वी को, इसको बेटा एन बाय वी को अपन क्या ले सकते हैं कंसंट्रेशन, गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इसको अपन क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो अपने पास में यहां पर फाइनल इक्वेशन अपने पास में, इस इक्वेशन को भी यूज करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर अपने पास में थर्ड और पाई इक्वल टू सी आर टी इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्लियर हो गया। यहां पर ये इक्वेशन अपन को न्यूमेरिकल्स में यूज आएगी, बट यहां पर अभी तक अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर किस फॉर्म में यूज लिया है एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और याद करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स दोज प्रॉपर्टीज इन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, इसमें डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर अपन को इसको प्रूव करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट। तो अपन इक्वेशन थर्ड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन थर्ड को मैं यहां पर ले जा रहा हूं। इक्वेशन थर्ड में देखो पाई इक्वल टू एन को क्या ले सकते हैं अपन, देखिए बेटा एन इक्वल टू होता है मोलर सॉरी ग्राम मास अपॉन मोलर मास, मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ग्राम मास अपॉन मोलर मास, और ये किसके रेस्पेक्ट में है सोल्यूट के रेस्पेक्ट में, तो एन की जगह क्या ले सकते हैं अपन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी, तो ये इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी। देखो बेटा इक्वेशन थर्ड को मैंने क्या कर दिया एन की जगह रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि मोल को अपन कैसे ग्राम मास अपॉन मोलर मास, तो पाई इक्वल टू एन की जगह अपन ने वैल्यू लिख दी तो अपने पास में आ गया पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी, और यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई वी, दैट इज द इक्वेशन नंबर फाइव, क्लियर। और इक्वेशन फाइव गिव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको अपन ने यहां पर आइडेंटिफाई कर दिया, क्लियर बेटा। तो अपने पास में इक्वेशन थर्ड वाला फॉर्मूला, इक्वेशन फोर्थ वाला फॉर्मूला और इक्वेशन फिफ्थ वाला फॉर्मूला, ये सारे इंपॉर्टेंट है एज ए न्यूमेरिकल्स। अब इस पूरी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, जहां पर न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एम बाय 10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इफ आर इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बेटा जो आर की वैल्यू है, वैसे आपने आर की वैल्यू जूल में जो पढ़ी है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, बट यहां पर अपने पास में प्रेशर जो वर्क कर रहा है वॉल्यूम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू यूज करेंगे वो 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज करेंगे, क्लियर। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं अपन, अपने पास फॉर्मुलेज है, देखिए बेटा न्यूमेरिकल में गिवन क्या है वो सारी चीज आपको देखनी है और रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखिए कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एम बाई 10। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में गिवन
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, m बाय 10 या इसको कह सकते अपन 1/10 मोल पर लीटर, राइट। टी टेम्परेचर दे रखा है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चेंज कर लेंगे अपन 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन, राइट। आर की वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी बेटा 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। क्या फाइंड आउट करना है आपको, पाई इक्वेशन मार्क लगा दिया, पाई पाई इक्वल टू क्या आ गया आपका सी आर टी, फॉर्मूला था अपने पास में पाई इक्वल टू सी आर टी, सी फॉर कंसेंट्रेशन, आर कॉन्स्टेंट एट टी टेम्परेचर, तीनों गिवन है, तो पाई इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास में 1/10 इंटू आर क्यूब रखेंगे 0.0821 इंटू 300, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा एटीएम, इसमें जाएगा एटीएम में, तो इस तरह से अपन यहां पर न्यूमेरिकल अपना सोल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।